हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे मंटू का ट्रेलर। मंटू वाज अ रियली कंट्रोवर्शियल राइटर इन पाकिस्तान। ही डाइड इन पाकिस्तान। ही बिलोंग टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ। एंड ही वाज अ रियली कंट्रोवर्शियल राइटर बिकॉज उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही सेक्स ओरिएंटेड थे, सेक्स रिलेटेड थे। एंड एज वी ऑल नो, सेक्स इज अ रियली टैबू सब्जेक्ट हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी तो मतलब हम वी लाइक टू प्रिटेंड दैट वी आर यू नो अबव ऑल दीज ओल्ड स्कूल थॉट्स, बट at the sign of first you know couple making out we tend to freak out. Doesn't matter कि हम कितने young हैं, कितने old हैं। Even young people अगर वो किसी couple को make out करते हुए देखने तो बोलते हैं कि यार कैसे, देखो क्या बेशर्मी है, क्या get a room or something like that। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को नंबर दे दे या कोई लड़का किसी लड़की को अपना नंबर दे दे, सो दे स्टार्ट फ्रीकिंग आउट कि ओह दैट्स दिस इज यू नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू नो दिस इज वियर्ड। बट दैट्स पीपल, अब ये मेरा अंदाजा है और ये मेरी थोड़ी सोच भी आई नो बदल गई है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सर्टेन कल्चर यू टेंड टू यू नो अडैप्ट फ्रॉम दैट कल्चर। मुझे ऑनेस्टली अब बहुत नॉर्मल लगता है अगर मैं किसी कपल को मेकआउट करता हुआ देख लूँ या यू नो किसी को फ्लर्ट करता हुआ देख लूँ। इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट्स नॉट यू नो यू कम ऑन दिस अर्थ टू यू नो फाइंड अ वुमन और अ मैन फॉर yourself and you know live life with them, so it's completely normal to approach somebody and to talk to somebody, and it's completely normal to discuss topics like sex because it's the most natural thing. Duniya mein teen cheeze sabse zyada common hai, isse zyada kuch bhi common nahi hai. Paida hona, birth, marna, death, and sex. It's the most three most common things that every human being experiences. कुछ लोग होंगे जो वर्जिन मर जाते होंगे, आई डोंट नो, बट आई फील दिस इज लाइक समथिंग दैट्स रियली कॉमन, क्योंकि इसके बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकते। सो या दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। लेट्स गो एंड चेक आउट मंटू। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही ना काबिले बर्दाश्त। क्या बात कर दी सुना, क्या बात कर दी, भाई से बड़े कर दिया, जल्दी से उतारो, बड़ा चैलेंजिंग रोल है। आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है, हर औरत के लिए कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब टूट जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है। तुम एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए। नवाजुद्दीन खतरनाक लग रहा है अभी तक तो भाई। जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे और अब आजाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखते? तरक्की का, सक्सेस का। मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखे नहीं मरोगे। यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। मंटू साहब, आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। ठंडा गोश्त, काली शलवार। आपका एक शाहकार अफसाना है। अगर एक तरफ आप लिखने की आजादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक राइटर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। सच तो हर किसी नहीं बोलना चाहिए, वो सफे फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। देखो वो लोग आपको लेने आ रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। सब पीछे देख रहे हैं लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। गुड़गुड़ दी, अनक से दी, बेध्यान दी, मूंग दी, दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंडो। ओ नंदिता दास, तभी तो। सो आई हैव वॉच्ड नंदिता दास की फिराक। फिराक ऐसी मूवी थी जो मुझे रैंडमली नजर आ गई थी और मैंने देख ली थी एंड इट हिट मी रियली हार्ड भाई। उसके बाद से मेरा बहुत थोड़ी आंखें भी खुली थी कि मुस्लिम्स का क्या यू नो स्टेटस है इंडिया में एंड हाउ थिंग्स शेप्ड आउट आफ्टर द गुजरात होल इंसिडेंट। सो या फिराक वॉज अ गुड मूवी एंड इट रियली ओपन माई आईज टू अलॉट ऑफ थिंग्स एंड इट रियली टॉट मी अबाउट हाउ यू नो लाइफ इज सो सिमिलर बैक इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया। But that's a different movie, that's a different story. Let's talk about Manto. So, Sadat Hasan Manto, जो हैं वो एक राइटर थे, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर थे। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी जिनके बारे में मुझे पता चला था जब मैं 13 साल का था और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था। उसने पता नहीं मैंने उसके मुंह से एक वर्ड सुना काली शलवार और सुनते ही मेरे दिमाग में ऐसा आया कि दिस इज समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, दिस इज समथिंग सेक्शुअल। सो हियर्स द थिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेक्स जो है वो बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है, बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है। पेरेंट्स डोंट डिस्कस इट विद देयर किड्स।
siblings don't discuss it, friends discuss it, but in such a pornographic manner that there's no education about it per se. This is also the reason ke itne bade itne sexual masle hain Pakistan mein, from child abuse to marital rape to these kind of things. So it is only because people are not aware that it's normal to talk about. It's okay to talk about these things. ताकि अगर कल को आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई गलत करता है, सो एटलीस्ट यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ सेइंग इट आउट लाउड कि भाई इस बंदे ने मुझे ये किया या मेरे साथ ये किया. तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई सेक्सुअल क्राइम डज नॉट गेट रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, बिकॉज पीपल आर सो पीपल कंसिडर इट सो टैबू. पीपल इसको इतना उससे देखते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो गुनाह होता है और गंदी होता है. भाई गंदा नहीं होता, आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरह करना है और किस तरह बात करनी है उस बारे में. यू डोंट हैव टू be a sexual maniac to talk about sex. It could be in terms of education and awareness. तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में और वो मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन it's needed. And मंटू सदास और मंटू अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ पे लड़ता लड़ता गुजर गया कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वो अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, इसका मतलब मुआशरा ही हमारा बर्दाश्त के लायक नहीं है. इसमें ना तो मेरी गलती है ना तुम्हारी गलती है, पूरे मुआशरे की गलती है, क्योंकि वी एज अ सोसाइटी आर इंटॉलरेंट एंड एन इंटॉलरेंट सोसाइटी नेवर सर्वाइव्स. इज नॉट द वे टू यू नो क्रिएट बिल्ड अ सोसाइटी. सदास और मंटू की अपनी लाइफ ही इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल और इतनी सदास और मंटू की अपनी लाइफ ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि मूवी को आप कितना मूवी तो फिर सोचो कितनी इंटरेस्टिंग होगी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी सीम्स लाइक द राइट चॉइस फॉर दिस रोल, कि इसने वाकई में रूह जज्ब कर ली है कैरेक्टर की और फेशियल एक्सप्रेशन जो नजर आ रहे हैं ट्रेलर में दे आर हैंड्स डाउन रियली गुड. सो आपको अंदाजा हो रहा है कि इट्स गोना बी वन हेल ऑफ एन आर्ट मूवी. बहुत खतरनाक आर्ट फिल्म होने वाली है, बहुत ही डिजर्विंग यू नो फिल्म होने वाली है, जिसका बनना बहुत जरूरी था, जिसको अवार्ड्स मिलना भी बहुत जरूरी होंगे. आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स नॉमिनेटेड फॉर दिस रोल. He will get nominated for this role. This movie might also get nominated, लेकिन वो तो देख के ही पता चलेगा. ट्रेलर से आप जज नहीं कर सकते. ट्रेलर की अपनी साइंस होती है, ट्रेलर के लिए साउंड ट्रैक अलग से चूज होते हैं, सीन्स अलग से चूज होते हैं. सो ट्रेलर इज डिफरेंट देन द मूवी, बट आई फील लाइक गिवन ऑलरेडी कितने फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई हुई है, ऑलरेडी कितने फेस्टिवल्स ने इसको देखा हुआ है और प्रेज किया हुआ है, तो आई थिंक दिस मूवी विल गेट nomination for best movie or best director or writer. No surprise ki he was controversial yaar. Thanda Ghosht, just the title itself, ye do words hai jo hum nahi sunte kisi is tarah ke manner mein. It's just so controversial just by its name, so I can only imagine ki book mein kya hai. Maine book nahi padhi of course. Aur Sadas and Mantu ke हर बुक का टाइटल हमेशा ऐसा होता था बहुत प्रोवोकेटिव, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग. गंजे फरिश्ते, बॉल्ड एंजल्स, लाइक कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन इट्स फनी, इट्स फन टू यू नो इट मेक्स यू क्यूरियस कि यार क्या ये क्या है, व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस, आई वांट टू सी व्हाट इज दिस. या सो ही इज डन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टफ, काली शलवार, ताहिरा से ताहिर, यू नो फ्रॉम गर्ल टू मैन. तो ये इन सब चीज़ों के बारे में उस जमाने में बातें कर रहे थे जो आज के लिबरल सोच भी नहीं सकते होंगे. आई मीन सोच सकते होंगे श्योर, बट यू नो इट्स वी थिंक वेस्ट थिंग्स के हम अभी वेस्ट अभी इतना लिबरल हुआ है, बट मंटो की राइटिंग, मंटो की सोच जो थी वो बहुत बहुत लिबरेटिंग थी बहुत बहुत सालों पहले. सो या आई एम नॉट गोना से कि मैं मंटो का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने मंटो का एक्चुअल वर्क आज तक नहीं पढ़ा है, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज एंड आई हैव हर्ड हाउ कॉन्ट्रोवर्शियल ही वॉज, एंड जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो लोगों की मर्जी के अगेंस्ट जाके काम करता था. अपने जो चीज़ लिखता था वो लोगों को पसंद तो आती थी, लेकिन लोग उसको बुरा भी कहते थे. तो वो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ही वॉज अ रेबल, वो एक बागी था अपनी राइटिंग में, इस वजह से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, उनको सलाम पेश करता हूँ और उनको अपने आप को उनका शागिर्द भी कहूँगा एज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ राइटर एज वेल. तो yeah, it seems like it's going to be a really good movie. I will definitely watch it when it comes out. Thank you for requesting this, Vicky Kumar. I hope you enjoyed my reaction and my review. Let me know which video you want me to react to next. Please make sure you like and subscribe. I will see you guys tomorrow with another video. Take good care of yourself. Shabba khair.